सचिव यहां पत्र लिखते हैं, उनको ऐसे साहस कैसे हुआ? किसके कारण ऐसे साहस हुआ? अपने शिक्षा विभाग से एक सेक्रेटरी पत्र लिखता है और चैंसलर के अधिकारों को चुनौती देता है, क्या आवश्यकता होती है? अपने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जो होते हैं उनको पूछते हैं कि आपकी ऑटोनॉमी क्या है? प्रशासन के लोग, वाइस चांसलर हो या प्रो वाइस चांसलर हो या अपनी किसी शिक्षक, उनको अपने यहां बुलाकर अपमानित करने लगते हैं, तब पीड़ा होती है, पीड़ा होती है। अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है, अपनी सोच में परिवर्तन लाने की जरूरत है। इसलिए जो भी अपने अधिकारी होते हैं, किसी भी स्तर पर हो, किसी भी अधिकार पर हो, शिक्षकों के सामने हमको ठीक ढंग से ही बर्ताव करना है, पेश आना है। आवश्यकता होती है हर 30 विद्यार्थियों के पीछे या 40 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक होने की जरूरत है। क्या इस अनुपात में इतने शिक्षक हम दे पाए हैं? क्यों शिक्षक हमारे आज सड़कों पर आते हैं? क्या इसके बारे में हमको चिंतन करने की जरूरत नहीं है? मुझे अनेक प्रोफेसर, अनेक विशेष पूर्व विशेष, अभी के विशेष, इनके मुझे मेरे पास मेल आते हैं, पत्र आते हैं कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। क्यों हो रहा है? केवल विशेष नहीं, अन्य बाकी के भी शिक्षक भी, अध्यापक भी, कॉलेज के टीचर्स, सबको बदलने की आवश्यकता। प्रशासन के लोग, वाइस चांसलर हो या प्रो वाइस चांसलर हो या अपनी किसी शिक्षक, उनको अपने यहां बुलाकर अपमानित करने लगते हैं, तब पीड़ा होती है, पीड़ा होती है। शिक्षक का सम्मान करने की आवश्यकता है, उसको हमको सीखने की जरूरत है। शिक्षक दिन मनाने से यह पीड़ा दूर नहीं होगी। अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है, अपनी सोच में परिवर्तन लाने की जरूरत है। इसलिए जो भी अपने अधिकारी होते हैं, किसी भी स्तर पर हो, किसी भी अधिकार पर हो, शिक्षकों के सामने हमको ठीक ढंग से ही बर्ताव करना है, पेश आना है। हमारे यहां शिक्षकों की कमी भी है, उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। कितने शिक्षक हैं अपने, कितने विद्यार्थी हैं? आप सबके प्रयासों से इस वर्ष से अपना एडमिशन बढ़ने लगे हैं, शिक्षक विद्यार्थी आते हैं, छात्र आते हैं, उस मात्रा में, उस अनुपात में हमको वहां शिक्षकों की जरूरत है, इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। कब देंगे ध्यान? अगर विश्वविद्यालय की या उच्चतर शिक्षा की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में अपने जितने भी विश्वविद्यालय हैं और उच्चतर स्तर के, अपने स्तर के यहाँ के जो विद्यालय हैं, इन सब में 25 लाख से ज्यादा यहाँ विद्यार्थी हैं। इन सभी 25 लाख विद्यार्थियों के जिम्मेदारी दायित्व कौन लेगा? शिक्षक लेंगे। यहां के शिक्षा के बारे में चिंता करने वाले शिक्षक विभाग के अधिकारी लेंगे, उनको देने की आवश्यकता है। और ये 25 लाख जो विद्यार्थी बन रहे हैं यहां, या सभी विश्वविद्यालय आज इस स्तर पर जो एडमिशन आए हैं, उनको पढ़ाने के लिए कितने शिक्षक हैं? आवश्यकता होती है हर 30 विद्यार्थियों के पीछे या 40 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक होने की जरूरत है। क्या इस अनुपात में इतने शिक्षक हम दे पाए हैं? देने की आवश्यकता है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इस पर अगर जोर दें, इस पर अगर सोचेंगे, तब मुझे लगता है कि इस दिशा में हमने एक सकारात्मक पहल की है, सकारात्मक कदम उठाया है। शिक्षकों
लोगों के बारे में हम मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। आप सब जानते हैं कि शिक्षकों की अवस्था आज किस स्तर पर है। माननीय नीतीश जी जैसे बता रहे थे हमारे सब विश्वविद्यालयों का स्तर बढ़ना चाहिए, केवल पटना विश्वविद्यालय नहीं, कैसे बढ़ेगा जब शिक्षकों का स्तर बढ़ेगा। शिक्षक जब स्थिर ढंग से पढ़ाएंगे तब अपने विश्वविद्यालय हो या कोई भी विद्यालय हो उसका स्तर बढ़ेगा। अगर हमको अपने भीतर ही छात्रे की अगर सहूलियत मिलेगी या पसंद आएगा तब ये सब बातें उजागर होकर आएगी सामने। मुझे लगता है कि आज का शिक्षक दिवस इस दिशा में हमको चिंतन करने के लिए बाध्य करेगा, करने की आवश्यकता है। ऐसा शिक्षक दिवस जब आता है तो इसलिए आता है जो उनके प्रति हमारे मन में जो भाव है, आदर भाव है, उसको समर्पित भाव को हम सबके सामने लाने की आवश्यकता है। उनकी अवस्था क्या है, क्यों शिक्षक हमारे आज सड़कों पर आते हैं, क्या इसके बारे में हमको चिंतन करने की जरूरत नहीं है। शिक्षक दिवस तब ठीक ढंग से मनाया जाएगा जब हमारे सभी शिक्षक संतुष्ट रहे, क्योंकि वो आदर्श है हमारे शिक्षक, हमारे आदर्श है। और शिक्षक हमारे आदर्श होने के नाते उन आदर्शों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य होता है। इसलिए मैंने आपके सामने ज्यादा विषय रखने का सोचा नहीं, परंतु शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए, शिक्षकों का आदरातिथ्य होना चाहिए, शिक्षकों को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस विषय को लेकर मुझे बहुत बार प्रश्न आता है, मेरे सामने आता है और चिंता करने पर चलता है कि शिक्षकों के प्रति हमारे मन में इतना आदर भाव होता ही है, क्या जरूरत होती है शिक्षकों को सड़क पर आकर आंदोलन करने की, क्या क्यों ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है। हमारे पास इतने सारे शैक्षिक अनुसंधान करने वाले, शिक्षा के बारे में सोचने वाले आयोग हैं, कमीशन हैं, इस पर अगर ठीक ढंग से अगर हम सोच सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, तो कहीं पर भी शिक्षकों के बारे में प्रश्न नहीं रहेगा। इसको बहुत ही गंभीरता से आपको लेने की आवश्यकता है। ये जब कब होगा, जब प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी शिक्षकों के प्रति ठीक ढंग का भाव रखेंगे तब कोई समस्या नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। मुझे अनेक प्रोफेसर्स, अनेक विशेष पूर्व विशेष अभी के विशेष, इनके मुझे मेरे पास मेल आते हैं, पत्र आते हैं कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। क्यों हो रहा है, केवल विशेष नहीं, अन्य बाकी के शिक्षक भी, अध्यापक भी, कॉलेज के टीचर्स, इन सबको बदलने की आवश्यकता है। मुझे लगता है इस दिशा में हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। एक बाजू में प्रशासन रहेगा, एक बाजू में शासन रहेगा और तीसरी ओर मांग के राजभवन रहेगा, ऐसा नहीं। तीनों को साथ में बैठकर इस पर विचार करना चाहिए। इनको पता होना चाहिए अनुशासन क्या होता है, अनुशासन कहां से आता है, अनुशासन संस्कारों से आता है। और संस्कार देने वाले अपने शिक्षक होते हैं, वो वहां के अध्यापक होते हैं। जब कोई हम यहां बात करते हैं, बोलते हैं, आवश्यकता नहीं।
इसको संस्कार कहते हैं, इसको अनुशासन कहते हैं। इस अनुशासन को अगर हमारे हरेक विश्वविद्यालय में, हमारे सभी महाविद्यालय में आने की आवश्यकता है, तो शिक्षकों की परिस्थिति में सुधार होने की जरूरत है, वो हमको करने की जरूरत है। मुझे लगता है आज संस्कार देने का केंद्र अपने विद्यालय, अपने महाविद्यालय, अपने विश्वविद्यालय में, वहां जाकर झांक कर देखने की जरूरत है। जब यहां ऐसे प्रश्न आते हैं कि वहां अपने शिक्षा विभाग से एक सेक्रेटरी पत्र लिखता है और चांसलर के अधिकारों को चुनौती देता है, क्या आवश्यकता होती है? अपने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जो होते हैं उनको पूछते हैं कि आपकी ऑटोनॉमी क्या है? क्यों भाई, ऑटोनॉमी से आपको क्या दिक्कत हो रही है? शिक्षा के एक सचिव यहां पत्र लिखते हैं, उनको ऐसे साहस कैसे हुआ? किसके कारण ऐसे साहस हुआ? जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति उनको इतना सम्मान करते हैं, वो विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय के कुलपति हो, उसके अध्यापक हो, उनका कितना सम्मान करेंगे? कैसे करेंगे? क्या इसके लिए आपको अपने भीतर झांकने की आवश्यकता नहीं, सोचने की जरूरत नहीं? इसके ऊपर ठीक ढंग से अमल करने की जरूरत है, सोचने के बाद उसके ऊपर कुछ क्या करने की जरूरत है, इसको सबको लेकर बैठने का आवश्यकता होती है, सबने बैठना चाहिए। मुझे लगता है इसको, इस विषय को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, परंतु इस पर जिस तरीके से, जिस ढंग से इस विषय को दिखा जाता है, अभी मुख्यमंत्री जी मुझे कह रहे थे कि यहां के अपने विश्वविद्यालय के कुलपति हैं गिरीश कुमार जी, उनको एक्सटेंशन चाहिए। बिल्कुल, उनके सभी अगर देखेंगे, आपने देखा है उन्होंने कितना काम किया है, मुख्यमंत्री के आह्वान पर हम इस पर सोच भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति को अगर हम नीचे रखेंगे तो कुलाधिपति इस पर भी जरूर विचार नहीं कर सकते। कुलाधिपति की जो भी वहां हैसियत है उस पर विचार करने की, पुनर्विचार करने की आवश्यकता है शिक्षा विभाग को। आप कुलाधिपति को वहां से टोकते रहेंगे और कुलाधिपति से अपेक्षा करते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकेगा।